प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपने 10वें पाठ ज्योतिषी गधा के लिखित प्रश्न उत्तर को करेंगे। और कल हमने इसके मौखिक प्रश्नों को किया था, जो कि बहुत आसान था। तो एक बार मौखिक प्रश्नों को भी हम दोहरा लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। और ये मौखिक प्रश्न लघु प्रश्नों के रूप में ही होते हैं, उनका उत्तर हम एक वाक्य में ही देते हैं। तो जैसे पहला है, पहला हमारा मौखिक प्रश्न क्या था, अल्फांसो को किस बात का घमंड था। तो हम कहेंगे अल्फांसो को अपने ज्योतिष विद्या का घमंड था, या अपने ज्योतिष शास्त्र का घमंड था। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था। क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था, इसका उत्तर लिखेंगे। क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में गधे की हरकतों से पता चला। हमारा तीसरा प्रश्न था, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया। अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास गया क्योंकि वह उसकी भविष्यवाणी का राज जानना चाहता था। तो बच्चों, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न, बहुत आसान थे। आज आप अपनी आप नोटबुक को निकाल लीजिए, आज हम शुरू करेंगे अपने लिखित प्रश्नों को। लिखित प्रश्नों को जैसे कि आपको पता ही है, हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो ये है लिखित प्रश्न का पहला, हमारा लिखित प्रश्न है का पहला भाग आज हम करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला वाला है क, अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा, तो जैसा कि कहानी में ही बताया था कि अल्फांसो अपने गांव में अपने मक्के की फसल को कटवाने आया था। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, इसमें समय लगता है और इस कारण उसे गांव में रुकना पड़ा। तो इसको हम लिखेंगे, अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपने मक्के की फसल कटवानी थी। तो यही लिखेंगे, अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा, क्योंकि उसे अपने मक्के की फसल क्योंकि उसे अपने मक्के की फसल कटवाना
और देखभाल मक्के की फसल को कटवाना तथा उसकी उसकी देखभाल करनी थी। देख भाल करनी थी तो एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा, तो हमें उसको कारण बताना है क्यों रुकना पड़ा। इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, गांव में रुकने का कारण हमें पता है, और कारण क्या था हमने पाठ में पता ही था कि उसकी गांव में मक्के की फसल थी जिसको कि कटवाना था। जब फसल तैयार हो जाती तो फसल को कटवा करके उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता, तो इसमें कुछ दिन लगते हैं ये, क्योंकि ज़रा मेहनत का काम होता है, इसमें लंबा समय भी लगता है, एक दिन में नहीं हो जाता है। तो इसलिए उसको गांव में रुकना पड़ा ताकि वो अपने मक्के की फसल को कटवा सके और उसे सुरक्षित स्थान पर रखवा सके। तो अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपने मक्के की फसल को कटवाना तथा उसकी देखभाल करनी थी। अब आ जाते हैं इसका ख प्रत्यय, ये भी बहुत आसान है। लिखित का दूसरा है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया। क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया, आपको पता ही है अल्फांसो क्रिस्टियानो के पैर में खराबी थी और वह चल फिर नहीं सकता था, फिर भी वह हृदय की सवारी करके अल्फांसो के पास जाता है क्योंकि अल्फांसो उसका पड़ोसी था। उसको जाके भी बताता है कि कुछ ही घंटों में मौसम बदलने वाला है, आंधी तूफान आने की संभावना है, तो आप अपनी जो फसल कटी हुई है, क्योंकि उसकी फसल कटी हुई थी, उसको सुरक्षित स्थान पे रखवाना था, पहुंचाना था, इस कारण से उसको सावधान करने आया था। तो हम यही लिखेंगे, तो ये है हमारा ख प्रश्न। क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया, क्या बताया। कि मौसम बदलने वाला है, तूफान आने की संभावना है, तो इस कारण से आप अपनी फसल को, मक्के की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। तो यही है, और असल में वह उसका पड़ोसी था और वह उसे सावधान करने आया था, क्योंकि पड़ोसी भी को चाहिए कि अपने पड़ोसी की मदद करे। तो जैसे ही उसे बात का पता चला कि अल्फांसो की तो फसल मक्के की कटी हुई है,
और कटी हुई फसल बड़ी असुरक्षित होती है, क्योंकि तो ऐसे में अगर तूफान आ गया तो फसल उड़ जाएगी या बह जाएगी, तो उस वक्त उसे इसकी चेतावनी या हम कहेंगे सलाह देने गया था कि आप अपने फसल को सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। यही हम लिख रहे हैं, क्रिश्चियनों ने क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया। अल्फांसो को बताया बताया कि कुछ घंटों में कुछ घंटों में आंधी तूफान आने की संभावना है, आंधी तूफान आंधी तूफान आने की संभावना है, संभावना है। इसलिए अल्फांसो को अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। तो किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए अपनी फसल को, यह उसका सुझाव था। सुझाव और अगला है हमारा, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों न मानी। यही बात है जो सुझाव उसने दिया था कि तूफान आने वाला है, आपको आपकी मक्के की फसल अभी अभी कटी है और कटी फसल असुरक्षित होती है क्योंकि वो आंधी से, वर्षा से या बाढ़ से उसके बढ़ने बह जाने का डर होता है। तो उसे सुरक्षित स्थान पर अगर पहुंचा दिया जाए तो वह अच्छा रहेगा। अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने ज्योतिष विद्या पे घमंड था। हमने देखा उसने दूरबीन निकाल करके नक्षत्रों की गणना की और नक्षत्रों की गणना के बाद
उसने ये निष्कर्ष निकाला, ये फैसला किया कि कोई आंधी तूफान नहीं आने वाला है, तो हम इसे कहेंगे उसे अपने ज्योतिष विद्या का घमंड था, जो सही बात नहीं है। और उसी घमंड के कारण उसने क्रिश्चियनों की बात भी नहीं मानी। तो हमें इसमें कारण क्या बताना है कि अल्फांसो ने क्रिश्चियनों की बात क्यों नहीं मानी? तो नहीं मानने का कारण क्या था? कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बस उसे अपने ज्योतिष विद्या का घमंड था कि मैंने गणना की है, नक्षत्रों की गणना की है और ज्योतिष विद्या के अनुसार, उसके अनुसार कोई आंधी तूफान नहीं आने वाला। तो ये था हमारा ग प्रश्न, इसके भी हम लिखेंगे। ग है अल्फांसो, अल्फांसो ने क्रिश्चियनो, अल्फांसो ने क्रिश्चियनो की बात, क्यों नहीं मानी? बात क्यों नहीं मानी? तो यहां क्यों नहीं मतलब हमें कारण बताना है। तो कारण पाठ से हमें पता ही चल गया था, जैसा कि पाठ में कहा गया था कि अल्फांसो एक ज्योतिष था, ज्योतिषी था। ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जो नक्षत्रों की गणना करता है। नक्षत्र क्या होते हैं? जो आसमान के तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा उपग्रह हो गया, तारे, सूर्य भी तारा में आता है और बहुत से तारे आसमान में हैं और ग्रह भी हैं। आपको पता है 8 ग्रह होते हैं, उन सब की स्थिति बदलती रहती है समय के अनुसार, उनकी स्थिति क्या होती है, बदलती रहती। तो ज्योतिषी जो होते हैं उनकी नक्षत्रों की गणना करते हैं और उनकी स्थिति के अनुसार वे पता लगाते हैं कि मतलब कि आगे आने वाले समय में मौसम की जानकारी या भविष्यवाणी भी वे करते हैं। तो अल्फांसो ने भी वैसे ही किया। जब क्रिश्चियनो ने उसको सावधान किया कि भाई मैं आपका पड़ोसी हूँ और मुझे पता चला है कि कुछ घंटे में मौसम ख़राब होने वाला है, तो मैं आपको ये सूचना देने के लिए आ गया हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ, और अपने पड़ोसी की मदद करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन अल्फांसो ने जब आसमान की तरफ उठा के देखा आँख, तो आसमान एकदम खाली था, उसमें बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। हवा का उसने देखा कि हवा तो चल ही नहीं रही, तूफान आता है तो तूफान आने से पहले बादल आ जाते हैं, हवा ही चलने लगती है, तब जाके तूफान आता है। लेकिन जब उसने देखा कि अरे मौसम तो एकदम साफ है, आसमान कोई में कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं दिख रहा, नीला आसमान, यहाँ तक कि उसने अपनी दूरबीन भी निकाल ली कि हो सकता है कि दूरबीन से दूर के बादलों का भी पता चल जाए, तो उसको दूरबीन में भी कोई बादल ना दिखाई दिया। उसके बाद उसने नक्षत्रों की गणना की, जैसे मैंने आपको बताया था, नक्षत्रों की गणना करके वो इस फैसले पर पहुंचा कि अभी आगे आने वाले दिनों में कोई तूफान या वर्षा नहीं होगी, और उसने क्रिश्चियनों की बात इसलिए नहीं मानी, उसे अपने ज्योतिष विद्या पर घमंड था। वह यही सोचता था कि उसकी जो गणना है सबसे अच्छी है, वही सबसे अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है, और इस कारण से उसने क्रिश्चियनों की बात पर भरोसा ही नहीं किया। तो बच्चों, इसी का उत्तर हम क
कल लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे पहला वाला प्रश्न, पहले दो प्रश्न लिख करके याद करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।